20 वर्षीय युवती के साथ गैंगरेप, देर रात नशे की हालत में घायल अवस्था में मिली युवती। इन युवकों पर गैंगरेप का आरोप, तीनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हाँ, बीना में हुई गैंगरेप की घटना ने एक बार फिर बीना को शर्मसार कर दिया है। 20 वर्षीय शादीशुदा युवती नशे की हालत में झांसी गेट के पास मिली। सूचना मिलने के बाद 100 नंबर पुलिस पहुंच गई और युवती के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार युवती के साथ तीन युवकों ने शराब पिलाकर गैंगरेप किया है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट। ये कल रात में लगभग 11:30-12 के आसपास पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि झांसी फाटक के पास में कोई महिला बेहोश स्थिति में पड़ी हुई है। इमीडिएट उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। चूँकि महिला अनकॉन्शियस थी तो उसके स्टेटमेंट नहीं ले जा सके। आज फर्स्ट हाफ में करीब 10:11 बजे उसको कुछ स्टेट होश में आई थोड़ी देर के लिए, और प्रॉपर वो अपना डिटेल बता नहीं पा रही थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और उसने तीन लोगों के नाम बताए हैं जो कि बीना के उसके क्षेत्र के रहने वाले, जो पूर्व से परिचित है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें कि महिला के साथ इसमें गैंगरेप हुआ है। इसमें कुल लोग को हमने राउंड अप किया है और महिला से और डिटेल बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महिला बार बार अनकॉन्शियस हो रही है। बहुत ज़्यादा हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, महिला अधिकारी उससे बहुत बात नहीं कर पा रहे हैं। और महिला यहीं की रहने वाली थी, डिवोर्सी है और अपने सिस्टर और पेरेंट के साथ रहती थी। पेरेंट्स भी बाहर गए हुए हैं, सिस्टर यहीं पे थी। और महिला ने जो प्राइमा फेसी लड़का है डब्बू सेन, किसी बात में उसको धमका रहा था और धमकाने में बातचीत के लिए उसको खेत में बुलाया, फिर उसके साथ घटना को कारित किया। हमने राउंड अप किया है कुछ लोग को, अभी एक पूछताछ चल रही, बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, तो पूरा डिटेल आ जाए फिर डेफिनेटली आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे।